Good morning friends, welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 30 सितंबर 2019 मंडे है, सुबह के 8:29 हो रहे हैं। नया वीक शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। लास्ट वीक हमने देखा 1000 पॉइंट के तेजी के बाद एक कंसोलिडेशन फेज, एक साइडवेज मार्केट लास्ट वीक हमें देखने को मिला। थोड़ा सा पॉज ले लिया है, अभी जो रफ्तार पकड़ी थी निफ्टी ने उसमें एक थोड़ा सा पॉज आ गया है। तो अभी क्या नेक्स्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स हो सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है फ्राइडे का, यानी 27 सितंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक यहाँ मिल जाएगी। तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,589 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,534। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स ओपन होते ही इसने ब्रेकडाउन लेवल को पेनेट्रेट किया और ऊपर टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जब ये टर्न हुआ तो ऊपर ब्रेकआउट लेवल ने भी एग्जैक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया, इसको ब्रेक नहीं हुआ तो काफी एक्यूरेट लेवल साबित हो गए। और जैसे ही इसने ब्रेकडाउन लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक किया तो हमारा फर्स्ट टारगेट 11,510 ये एग्जैक्ट अचीव हुआ और यहाँ पर ही इसने सपोर्ट का काम किया और ये फिर से टर्न आउट हुआ और ऊपर की तरफ हुआ। और आते नीचे आते आते ये मार्केट आज जब क्लोज हो रहे थे तभी यहाँ पर एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट के आसपास ही ये क्लोज हुआ, तो काफी एक्यूरेट लेवल साबित हुए फ्राइडे को। हालांकि एकदम कंसोलिडेशन काफी वोलेटाइल मार्केट था फ्राइडे का, तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 16 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 12,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। क्विकली ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। अभी जो सैटरडे संडे जो दो दिन गए छुट्टी के, उसमें कुछ खबरें आ रही थी कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इम्पीचमेंट का इंक्वायरी अभी शुरू होगा, फिर उसके बाद चाइनीज कंपनीज है उसको डिलिस्टिंग किया जाएगा यूएस मार्केट से, तो काफी उससे थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है। और इंडिया की बात करें तो अभी इस वीक मॉनिटरी पॉलिसी है आरबीआई की, तो हो सकता है रेपो रेट जो है वो और कम हो सकता है। तो अभी आगे का नेक्स्ट ट्रेंड का कंफर्मेशन हमें इन कुछ इवेंट्स के बाद पता चलेगा, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में हमें कहां पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल मिल सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। गवर्नमेंट को अभी जीएसटी और फिर कॉर्पोरेट टैक्स खत्म करने के बाद, मतलब कम करने के बाद, जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो कैसे अचीव होगा इसके बारे में एक क्वेश्चन मार्क था। तो गवर्नमेंट को $4.3 बिलियन इंटरिम डिविडेंड आरबीआई की तरफ से मिल सकता है, उससे जो फिस्कल डेफिसिट है उसके टारगेट जो है वो अचीव होने में मदद मिल सकती है। लेकिन अब ये इसके बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं है, ऐसा हो सकता है, मिल सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये दो तीन बड़ी खबरें थी वीकेंड्स की। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते हैं। फ्राइडे को डाउ जोन्स नासडैक जो खबरें आ रही थी उसके बाद लाल निशान में बंद हुए थे, और यूरोपियन मार्केट देखे तो फ्राइडे को हरे निशान में बंद हुए थे। और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके तो निक्केई में प्रेशर देखने को मिल रहा है, 93 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। चाइना मार्केट में भी हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो 103 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ था, और एसडीएक्स निफ्टी अभी हल्की सी कमजोरी इस समय इंडेक्स में दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने लास्ट हाई और लो को पकड़ के ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया था, आरएसआई में भी नीचे एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, और इसके नेक लाइन का भी ब्रेकआउट मिला था। हमने पास्ट वीडियोज में इसे आइडेंटिफाई किया था, ड्रॉ करके दिखाया था, और उसी की तरह ऊपर में हमें प्राइस एक्शन में एक जबरदस्त अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। तो ऊपर फिलहाल अभी 61.8% का ये 11,543 के पास एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर लास्ट वीक क्लोज नहीं हुआ है, और ये अगर कैंडल देखे वीकली कैंडल तो यहाँ पर एक डोजी टाइप का एक कैंडल स्टिक बना हुआ है, यानी इनडिसिजिव पैटर्न, ना बुल्स जीत रहे ना बियर्स जीत रहे। तो यहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न हमें क्लियरली देखने को मिला लास्ट वीक। तो अभी फिलहाल यहाँ पर नेक्स्ट अगर टूवर्ड साउथ की तरफ ये आता है तो अभी भी ये गैप फिल नहीं हुआ है, तो फर्स्ट सपोर्ट इमीडिएट होगा 11,370 का, और उसके नीचे
ये जो 20 ईएमए का पिंक लाइन है ये अराउंड 11,284 के पास है, ये नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है 61.8% के लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर 76.4% का 11,750 ये फर्स्ट हर्डल होगा यानी रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर ही अगर इसे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो ये जो लास्ट दो स्विंग हाइज है ये ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास आ रहे हैं। तो 11,750 ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर निफ्टी इंडेक्स मूव करता है तो। तो ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में लास्ट फ्राइडे अगर यहाँ पर आप कैंडलस्टिक्स देखें तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि यहाँ पर इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ था, यानी क्या जो थर्सडे का ये बुलिश कैंडलस्टिक था उसका हाई और लो इस रेंज के बीच में ही फ्राइडे को ये ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर इनडिसिजिव पैटर्न है। अभी थर्सडे का जो हाई और लो है वो अगर इन दोनों में से कोई एक कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो हमें नेक्स्ट आने वाले ट्रेंड के बारे में पता चल सकता है। अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक डबल टॉप फॉर्मेशन हो सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है ऐसा ही होगा, ये कहा नहीं जा सकता। ये इसका फर्स्ट टॉप है, ये फिर नीचे आया और ये अभी सेकेंड टॉप बन रहा है। अगर ये इसका नेक लाइन जो बनेगा, ये नेक लाइन अगर ब्रेक करता है और इसके नीचे कंफर्टेबली अगर ये सस्टेन करता है तो हमें निफ्टी में फिर से एक बार करेक्शन, बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ये सपोर्ट्स, ये मूविंग एवरेजेस की सपोर्ट जहाँ पर ये क्लब हो रहे हैं, यहाँ पर एक स्ट्रांग सपोर्ट देखने को मिल सकता है जो कि अराउंड 11,200 के आसपास ये तीनों मूविंग एवरेजेस दिख रहे हैं। तो अगर ऐसा फॉर्मेशन बनता है डबल टॉप का तो निफ्टी में करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से निफ्टी फिर से एक स्ट्रांग अपसाइड मूव दिखाता है, अगर ये ऊपर का हाई अगर ब्रेक करता है थर्सडे का हाई, तो हमें 11,750 के लेवल्स यहाँ पर अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये है डेली और वीकली चार्ट का टेक्निकल व्यू। ये चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। काफी साइडवेज पैटर्न था ये, आप देख सकते हैं थर्सडे के बाद फ्राइडे तक का ये आर्ली चार्ट का सीनरियो। अगर ये फ्राइडे का ये लो अगर ब्रेक करता है यानी 11,499 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,476 77 पकड़ लेते, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 11,458, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी को अगर शॉर्ट करने का चांस मिलता है 11,499 को ब्रेक करता है तो ही हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और ऊपर में अगर ये मूव करता है तो अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो आप देख सकते हैं ये जो R1 का ये जो पिवट पॉइंट का लेवल आ रहा है इसके ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा है एज पर आर्ली चार्ट। तो यहाँ पर एक ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये 11,570 का लेवल। तो अगर ये इसके ऊपर कंफर्टेबली 571 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा एक क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा 11,591, ये हमारा क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 11,610, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।